श्री गणेश का ध्यान लगा के मन वाणी को शुद्ध बना के करवा के शुभ कथा सुना अतिशय पावन गाथा गा। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष को तिथि चतुर्थी को आए जो पर्व वो करवा चौथ कहाए जो सबके मन को नित भाए। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार भीषण कष्ट मिटाने वाला करवा का है पर्व निराला। शिव गौरा गणपति का ध्यान करता इस व्रत में कल्याण। कैसे शुरू हुआ व्रत पावन सुनो सभी यह कथा सुहावन। युगो युगो की बात पुरानी है यह अति प्राचीन कहानी। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, करवा चौथ का पावन पर्व कैसे प्रारंभ हुआ तथा इसकी क्या महिमा और विशेषता है, आइए श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ी ही पवित्रता स्त्री रहती थी जिसका नाम था देवी करवा। देवी करवा मन वचन और कर्म सब प्रकार से अपने पति की सेवा करने वाली परम पवित्र आचरण की पति परायण स्त्री थी। अब आगे श्रवण कीजिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय। नदी किनारे था शुभवास करवा का था जहाँ निवास। पति पत्नी दोनों खुश रहकर करते थे विश्राम वहीं पर। सब ऋतुओं ने बारी बारी बदला है अपना रुख भारी। बीत गए है अगणित मास आया माह कार्तिक खास। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार करवा के प्रति प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर तुंगभद्रा नदी में जाकर करने लगे यह स्नान वहीं पर। जल में कुछ आहट को पाकर मगरमच्छ एक पहुँचाकर पकड़ा है पैरों को कसकर लगा खींचने जल के भीतर। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, जब देवी करवा के पति नदी में स्नान करने लगे तब एक बड़े ही बलवान मगरमच्छ ने आके उनके पैरों को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इस कारण वे इस बात से पूर्णतः अनजान और अनभिज्ञ थे। परंतु जब मगरमच्छ उन्हें गहरे जल के भीतर खींचने लगा तब वे अपनी मृत्यु को अत्यंत निकट देखकर बहुत भयभीत हो गए और बड़े ही दीन स्वर में अपनी सहायता के लिए जोर जोर से करवा को पुकारने लगे। अब आगे श्रवण कीजिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय। करवा ने आवाज सुनी जब पहुंच गई पति के सम्मुख तब देखा संकट पति के ऊपर भीषण कष्ट पड़ा प्राणों पर। काल स्वरूप मगर वह बनकर खींच रहा है जल के भीतर। करवा ने एक धागा लेकर बांधा मगर मच्छ को कसकर। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। धागे में प्रभाव अति आया मगर मच्छ हिल डुल न पाया। करवा ने जब दे दिया मगर बन गया शीला समान। करवाने किया बहुत उपाय किंतु सकी न पैर छुड़ाए। कोई उपाय काम न आया दोनों पर ही संकट छाया। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो
भक्तों, देवी करवा ने अपने पति को उस मगरमच्छ से छुड़ाने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु किसी भी तरह पति के पांव को छुड़ा ना सकी। अंत में अपने पति और मगरमच्छ दोनों के प्राणों पर भयंकर संकट देखकर देवी करवा के मन में एक उपाय आया और फिर उन्होंने तुरंत ही अपने सतीत्व के प्रभाव से यमलोक प्रस्थान कर दिया। जब वे यमलोक पहुँचे तब यमराज चित्रगुप्त के खाते को देख रहे थे। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोले भक्तों, माता करवा की जय। सात सिंक लेकर करवाने किया मंत्र अभिमंत्रित, उसमें मंत्रों ने प्रभाव दिखलाया। यम का मन अतिशय घबराया, चित्रगुप्त का खाता बिखर कर उड़ने लगा अनंत गगन पर। यम बोले, हे देवी आ, क्या इच्छा है वह बतला। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। देवी करवा हाथ जोड़कर बोली, है यम देव से सादर, है मेरे पति के प्राणों पर संकट छाया अति भयंकर। नदी में उन्हें करते स्नान, एक मगर ने पकड़ा। मैं उपाय सब करके हारी, किंतु मिटाना संकट भारी। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, देवी करवा यमराज को सब बात बताकर कहती है, हे यमदेव, आप अपनी शक्ति से उस मगरमच्छ के प्राणों को हरण करके मेरे पति को जीवन दान देने की कृपा कीजिए। देवी करवा की बातों को सुनकर यमराज कहते हैं, हे देवी, मैं ऐसा करने में पूर्णतः असमर्थ हूँ, क्योंकि यह कार्य सृष्टि विधान के बिल्कुल विपरीत है, और यदि मैं ऐसा करना भी चाहूँ तब भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय। यम कहते हैं, देवी मानो, लौट जाओ, अब हटना ठानो। मैं विद्वान को कैसे छोड़ो, अपने प्रण को कैसे तोड़ो। करवा यम की बातें सुनकर कहती है अति क्रोधित होकर, अगर नहीं मानोगे कहना, कष्ट पड़ेगा भीषण सहना। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। बात अगर ना माने सारी, अभी शाप दे दूंगी भारी। प्राणों पर संकट छाएगा, शाप मेरा ना मिट पाएगा। घोर शाप से यम घबराए, हाथ जोड़ कर सम्मुख आए। करवा से तब बोले यम जी, शाप मुझे ना दो, हे देवी। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, देवी करवा के भयंकर श्राप से डरकर यमराज कहते हैं, हे देवी, मुझे श्राप न दो, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। और फिर तुरंत ही अपने दिव्य यमपाश से मगरमच्छ के प्राणों को हरण करके उसे मृत्यु तथा देवी करवा के पति को दीर्घ जीवन प्रदान कर देते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय। सतियों की शक्ति है भारी, इसे जानते सब नर नारी। यम भी सती के आगे हारे, निर्बल जैसे बने बिचारे। सती के सत्य की शक्ति महान, जिसने बदला अटल विधान। कार्य असंभव सहज बनाया, अपने पति को पुनः जिलाया। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। ठीक हुआ जब कारज सारा, करवा
तुमने प्रसन्न अति होकर दिया है करवा को अनंत वर। यम बोले है देवी जाओ सुख से जीवन नित्य बिताओ। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, यमराज ने देवी करवा को अटल सौभाग्य और सुख वैभव यश कीर्ति का वरदान देते हुए कहा, हे देवी, आज मैं प्रसन्नता पूर्वक ये आशीर्वाद देते हुए कहता हूँ कि जो भी सौभाग्यवती स्त्री आज के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करके तुम्हारी पावन कथाओं का श्रवण करेगी, मैं सदा सर्वदा उसके सौभाग्य की रक्षा करूंगा। देवी करवा यमराज को शीश झुका के अपने पति के साथ प्रसन्नता से रहने लगी और इसी घटना के बाद से यह खास दिन करवा चौथ या करक चतुर्थी के नाम से लोक प्रचलित हो गया। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय। करवा के पतिव्रत के कारण टूट गया था यम का भी प्रण। यम ने करवा को वर देकर पर्व बनाया इनके नाम पर। करवा पर्व है सबसे प्यारा सबसे न्यारा सबका सहारा। करवा चौथ की महिमा भारी करती इसे सुहागन नारी। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। करवा चौथ को प्रातः उठकर व्रत सामग्री एकत्रित कर कर स्नान ध्यान शुभ साधन। करवा व्रत संकल्प हृदय पर पूरा दिन निर्जल व्रत रहकर घर की दीवार पे चित्र बनाकर आंगन में अठावरी बनाए शिव गौरा का ध्यान लगाए। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, व्रत की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम पीली मिट्टी से माता गौरी को बनाएं, तत्पश्चात उनकी गोद में श्री गणेश जी को बनाकर बिठा दें, माता गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं और चौकी बनाकर आसन को उस पर रखें, फिर माता गौरी को चुनरी चढ़ाकर बिंदी आदि सुहागों के साथ 16 श्रृंगार भी समर्पित करें, फिर जल से भरा हुआ लोटा रखकर भेंट देने के लिए टोंटीदार मिट्टी का करवा ले लें। करवा में चूरा बताशा आदि साबुत अनाज भरकर उसके ऊपर दक्षिणा रख दें। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय। रोली से करवा के ऊपर स्वास्तिक का शुभ चिन्ह बनाकर गौरी गणेश सहित करवा की पूजन वंदन करे। वही जब अंबर में चंद्रमा आए छलनी से पति दर्शन पाए अर्ध चंद्रमा को फिर देकर व्रत का पारण करे। वही पर सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। करवा व्रत से मन हर्षाए वैवाहिक जीवन बन जाए। करवा व्रत से मिटती दुविधा मिलती है सब सुख और सुविधा। कवि सानंद ये गाथा गाए रोहित जन जन तक पहुँचाए। करवा व्रत की अद्भुत शक्ति भव से सहज दिलाए मुक्ति। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, यह थी परम पावन माता करवा की कथा। इन्हीं के नाम पर करवा चौथ का व्रत प्रारंभ हुआ। जो भी स्त्री भाव पूर्वक आज के दिन करवा चौथ का व्रत करती है, माता करवा के आशीर्वाद से उनके घर में सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती हैं तथा उनके सौभाग्य की रक्षा स्वयं यमराज अपने वचन पालन के कारण सर्वदा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय।
शेष का ध्यान लगा के मन वाणी को शुद्ध बना के करवा के शुभ कथा सुना अतिशय पावन गाथा गा। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष को तिथि चतुर्थी को आए जो पर्व वो करवा चौथ कहाए जो सबके मन को नित भाए। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार भीषण कष्ट मिटाने वाला करवा का है पर्व निराला। शिव गौरा गणपति का ध्यान करता इस व्रत में कल्याण। कैसे शुरू हुआ व्रत पावन सुनो सभी यह कथा सुहावन। युगो युगो की बात पुरानी है यह अति प्राचीन कहानी। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, करवा चौथ का पावन पर्व कैसे प्रारंभ हुआ तथा इसकी क्या महिमा और विशेषता है, आइए श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ी ही पवित्रता स्त्री रहती थी जिसका नाम था देवी करवा। देवी करवा मन वचन और कर्म सब प्रकार से अपने पति की सेवा करने वाली परम पवित्र आचरण की पति परायण स्त्री थी। अब आगे श्रवण कीजिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय। नदी किनारे था शुभवास करवा का था जहाँ निवास। पति पत्नी दोनों खुश रहकर करते थे विश्राम वहीं पर। सब ऋतुओं ने बारी बारी बदला है अपना रुख भारी। बीत गए है अगणित मास आया माह कार्तिक खास। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार करवा के प्रति प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर तुंग भ्रदा नदी में जाकर करने लगे यह स्नान वहीं पर। जल में कुछ आहट को पाकर मगर मच्छ एक पहुँचाकर पकड़ा है पैरों को कसकर लगा खींचने जल के भीतर। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, जब देवी करवा के पति नदी में स्नान करने लगे तब एक बड़े ही बलवान मगरमच्छ ने आके उनके पैरों को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इस कारण वे इस बात से पूर्णतः अनजान और अनभिज्ञ थे। परंतु जब मगरमच्छ उन्हें गहरे जल के भीतर खींचने लगा तब वे अपनी मृत्यु को अत्यंत निकट देखकर बहुत भयभीत हो गए और बड़े ही दीन स्वर में अपनी सहायता के लिए जोर जोर से करवा को पुकारने लगे। अब आगे श्रवण कीजिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय। करवा ने आवाज सुनी जब पहुंच गई पति के सम्मुख तब देखा संकट पति के ऊपर भीषण कष्ट पड़ा प्राणों पर। काल स्वरूप मगर वह बनकर खींच रहा है जल के भीतर। करवा ने एक धागा लेकर बांधा मगर मच्छ को कसकर। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। धागे में प्रभाव अति आया मगर मच्छ हिल डुल न पाया। करवा ने जब दे दिया मगर बन गया शीला समान। करवाने किया बहुत उपाय किंतु सकी न पैर छुड़ाए। कोई उपाय काम न आया दोनों पर ही संकट छाया। सुहागिनों का ये त्योहार है इसकी तो शक्ति अपार है इसकी तो शक्ति अपार।
भक्तों, देवी करवा ने अपने पति को उस मगरमच्छ से छुड़ाने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु किसी भी तरह पति के पांव को छुड़ा ना सकी। अंत में अपने पति और मगरमच्छ दोनों के प्राणों पर भयंकर संकट देखकर देवी करवा के मन में एक उपाय आया और फिर उन्होंने तुरंत ही अपने सतीत्व के प्रभाव से यमलोक प्रस्थान कर दिया। जब वे यमलोक पहुँची तब यमराज चित्रगुप्त के खाते को देख रहे थे। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोले भक्तों, माता करवा की जय। सात सिंक लेकर करवाने किया मंत्र अभिमंत्रित, उसमें मंत्रों ने प्रभाव दिखलाया। यम का मन अतिशय घबराया, चित्रगुप्त का खाता बिखर कर उड़ने लगा अनंत गगन पर। यम बोले, हे देवी आ, क्या इच्छा है वह बतला। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार, देवी करवा हाथ जोड़ कर बोली है यम देव से सादर। है मेरे पति के प्राणों पर संकट छाया अति भयंकर, नदी में उन्हें करते स्नान एक मगर ने पकड़ा। मैं उपाय सब करके हारी, किंतु मिटाना संकट भारी। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, देवी करवा यमराज को सब बात बताकर कहती है, हे यमदेव, आप अपनी शक्ति से उस मगरमच्छ के प्राणों को हरण करके मेरे पति को जीवन दान देने की कृपा कीजिए। देवी करवा की बातों को सुनकर यमराज कहते हैं, हे देवी, मैं ऐसा करने में पूर्णतः असमर्थ हूँ, क्योंकि यह कार्य सृष्टि विधान के बिल्कुल विपरीत है, और यदि मैं ऐसा करना भी चाहूँ तब भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय। यम कहते हैं, देवी मानो, लौट जाओ, अब हटना ठानो। मैं विद्वान को कैसे छोड़ो, अपने प्रण को कैसे तोड़ो। करवा यम की बातें सुनकर कहती है अति क्रोधित होकर, अगर नहीं मानोगे कहना, कष्ट पड़ेगा भीषण सहना। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार, बात अगर ना माने सारी, अभी शाप दे दूंगी भारी। प्राणों पर संकट छाएगा, शाप मेरा ना मिट पाएगा। घोर शाप से यम घबराए, हाथ जोड़ कर सम्मुख आए। करवा से तब बोले यम जी, शाप मुझे ना दो हे देवी। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, देवी करवा के भयंकर श्राप से डर कर यमराज कहते हैं, हे देवी, मुझे श्राप न दो, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। और फिर तुरंत ही अपने दिव्य यमपाश से मगरमच्छ के प्राणों को हरण करके उसे मृत्यु तथा देवी करवा के पति को दीर्घ जीवन प्रदान कर देते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय। सतियों की शक्ति है भारी, इसे जानते सब नर नारी। यम भी सती के आगे हारे, निर्बल जैसे बने बिचारे। सती के सत्य की शक्ति महान, जिसने बदला अटल विधान। कार्य असंभव सहज बनाया, अपने पति को पुनः जिलाया। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार। सुहागिनों का यह त्योहार, ठीक हुआ जब कारज सारा करवा
से धारा, बार बार आभार मनाकर देवी करवा चली धरा पर। फिर यमुनी प्रसन्न अति होकर दिया है करवा को अनंत वर। यम बोले हे देवी जाओ, सुख से जीवन नित्य बिताओ। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार, सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, यमराज ने देवी करवा को अटल सौभाग्य और सुख वैभव यश कीर्ति का वरदान देते हुए कहा, हे देवी, आज मैं प्रसन्नता पूर्वक ये आशीर्वाद देते हुए कहता हूँ कि जो भी सौभाग्यवती स्त्री आज के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करके तुम्हारी पावन कथाओं का श्रवण करेगी, मैं सदा सर्वदा उसके सौभाग्य की रक्षा करूँगा। देवी करवा यमराज को शीश झुका के अपने पति के साथ प्रसन्नता से रहने लगी और इसी घटना के बाद से यह खास दिन करवा चौथ या करक चतुर्थी के नाम से लोक प्रचलित हो गया। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय। करवा के पतिव्रत के कारण टूट गया था यम का भी प्रण। यम ने करवा को वर देकर पर्व बनाया इनके नाम पर। करवा पर्व है सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबका सहारा। करवा चौथ की महिमा भारी करती इसे सुहागन नारी। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार, सुहागिनों का यह त्योहार। करवा चौथ को प्रातः उठकर व्रत सामग्री एकत्रित कर, कर स्नान ध्यान शुभ साधन, करवा व्रत संकल्प हृदय पर। पूरा दिन निर्जल व्रत रहकर घर की दीवार पे चित्र बनाकर, आंगन में अठावरी बनाए, शिव गौरा का ध्यान लगाए। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार, सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, व्रत की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम पीली मिट्टी से माता गौरी को बनाएं, तत्पश्चात उनकी गोद में श्री गणेश जी को बनाकर बिठा दें, माता गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं और चौकी बनाकर आसन को उस पर रखें, फिर माता गौरी को चुनरी चढ़ाकर बिंदी आदि सुहागों के साथ 16 श्रृंगार भी समर्पित करें, फिर जल से भरा हुआ लोटा रखकर भेंट देने के लिए टोंटीदार मिट्टी का करवा ले लें। करवा में चूरा बताशा आदि साबुत अनाज भरकर उसके ऊपर दक्षिणा रख दें। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय। रोली से करवा के ऊपर स्वास्तिक का शुभ चिन्ह बनाकर, गौरी गणेश सहित करवा की पूजन वंदन करे वही। जब अंबर में चंद्रमा आए, छलनी से पति दर्शन पाए, अर्ध चंद्रमा को फिर देकर व्रत का पारण करे वही पर। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार, सुहागिनों का यह त्योहार। करवा व्रत से मन हर्षाए, वैवाहिक जीवन बन जाए। करवा व्रत से मिटती दुविधा, मिलती है सब सुख और सुविधा। कवि सानंद ये गाथा गाए, रोहित जन जन तक पहुँचाए। करवा व्रत की अद्भुत शक्ति, भव से सहज दिलाए मुक्ति। सुहागिनों का ये त्योहार है, इसकी तो शक्ति अपार है, इसकी तो शक्ति अपार, सुहागिनों का यह त्योहार। भक्तों, यह थी परम पावन माता करवा की कथा। इन्हीं के नाम पर करवा चौथ का व्रत प्रारंभ हुआ।
जो भी स्त्री भाव पूर्वक आज के दिन करवा चौथ का व्रत करती है, माता करवा के आशीर्वाद से उनके घर में सदा सर्वदा खुशियाँ बनी रहती हैं तथा उनके सौभाग्य की रक्षा स्वयं यमराज अपने वचन पालन के कारण सर्वदा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता करवा की जय।